अक्षय कुमार का इस केजरी वाला ड्राइंग में मैं तीन पार्ट करने वाला हूँ। थ्री पार्ट होगा इसमें। एक पार्ट में मतलब इस वीडियो में हम दिखाएंगे फेस में किस तरह से शेडिंग करते हैं, ये इस पार्ट में हम दिखाने वाले हैं किस तरह से शेडिंग करते हैं, वो भी ग्राफाइट से। ओके, और नेक्स्ट पार्ट में आप क्या दिखाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे किस तरह से बियर्ड और मुस्ताचों को ड्रॉ करते हैं, वो भी किस से, चारकोल से। सो आप तो जानते ही हो ग्रेफाइट और चारकोल से मिक्स नहीं होता है, सो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो किस तरह से ग्रेफाइट और चारकोल मिक्स किया जाता है, मतलब किस तरह से काम करता है ये दोनों एक साथ एक ड्राइंग में, वो हम नेक्स्ट पार्ट में बताने वाले हैं। और थर्ड पार्ट में बाकी सारी चीज जो बाकी है, फिनिशिंग टच वगैरह सब कुछ करने वाले है। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो में जो बताया पहले वाला स्टेप में करने वाला हूँ, मतलब ये वाला फेस में ड्रॉ करने वाला हूँ। चलते स्टार्ट करते, देखते रहना है। सो मेरा जो टेक्निक है, पहले मैंने आउटलाइन कर रखा है किस तरह से, वो मैं तीन हिस्सों में आउटलाइन को करता हूँ, फ्री हैंड ही करता हूँ, मतलब थ्री स्टेप में करता हूँ। किस तरह से करता हूँ वो भी मैं सेपरेट इसके ऊपर में वीडियो एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगा नेक्स्ट कभी भी। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, शेडिंग कर रहा हूँ। आउटलाइन करने के बाद फ्री हैंड आउटलाइन किया जैसे कि बताया, उसके बाद मैं शेडिंग कर रहा हूँ। किस तरह से कर रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप आप देखते रहिए। पहले मैंने पूरा फेस में इस तरह का एक हल्का सा पेंसिल का लेयर्स मतलब कर दिया है, किस तरह से देख सकते हो। मैं एक लाइट सेट कर रहा हूँ पहले, जिससे कि उससे उसके ऊपर आप अगर हाईलाइट करते हो तो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि नोज़ के ऊपर मैं करूँगा, देखते रहना किस तरह से कर रहा हूँ। और देखिए उसके ऊपर से आप डार्क एरिया को ऑफ कर सकते हो और शेडिंग कर सकते हो, वो एक फर्स्ट लेयर रहना चाहिए। उसके ऊपर से आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब जिधर भी चाहो तो हाईलाइट भी कर सकते हो और डार्क एरिया को भी ऑफ कर सकते हो। सो इसके ऊपर से अगर आप डार्क एरिया को ऑफ करते हो तो और हाईलाइट को दोनों को अगर अच्छे से ऐड कर सकते हो तो उससे आपका ड्राइंग अच्छे से रियलिस्टिक रहेगा। सो यही कुछ टिप्स आपको बताना था इस वीडियो में, देखते रहिए एंड तक। और किधर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, किधर मैं डार्क सेट कर रहा हूँ, वो आप देखते रहिए। जैसे कि आँख के ऊपर जैसे बताया डॉट सा एक हाईलाइट है, इसी छोटे छोटे स्टेप को मतलब छोटी छोटी चीज़ को आपको ऑफ करना है, उसके आपको रियलिस्टिक लगेगा। ओके, इसमें मैंने थोड़ा सा स्लो रखने की कोशिश किया है वीडियो को, मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं किया, उससे आप अच्छे से ऑफ मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इसलिए मैंने किया। कभी किसी किसी लोगों ने तो कहता है रियल टाइम वीडियो अपलोड करने के, लेकिन रियल टाइम वीडियो तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है मेरे लिए अपलोड करना, ये मुश्किल है। बाद में ट्राई करूँगा जब कुछ ओके, मैं बाद में ट्राई करूँगा रियल टाइम वीडियो का। सो अभी मैं थोड़ा स्लो ये कर रहा हूँ, देखते रहिए। उम्मीद है, इसलिए मैंने थ्री शो में पार्ट किया है, थ्री वीडियो आएगा, उससे आप थ्री वीडियो में थोड़ा थोड़ा टाइम देके आप देख सकते हो। जैसे कि बताया था हाईलाइट नोज में किस तरह से मैंने हाईलाइट किया हुआ, तो आप देख सकते हो नोज में इरेजर से हाईलाइट किया। अगर आप पहले ये जो लेयर जो बताया था वो आप अगर नहीं देते तो इस तरह का हाईलाइट कभी भी नहीं हो सकता था। देख सकते हो किस तरह से हाईलाइट हो गया। और अभी थोड़ा वीडियो को स्पीड बढ़ा रहा हूँ और देखते रहिए एंड तक। सो देखिए एक साइड फिर से सेट कर दिया, नीचे की तरफ सेट कर दिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे जैसे कि बियर्ड और मुस्ताचे वगैरह। और इस वीडियो में बस यही आपको समझाना था। अगर कुछ इस वीडियो से आप मदद मिले, कुछ भी सीखे हो, तो इस वीडियो से एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके रख देना नेक्स्ट पार्ट में किस तरह से हमें चारकोल से बियर्ड और मुस्ताचे करते वो देखने के लिए। और यही बस वीडियो में था, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वेट कीजिए। अगर मैं आप ये वीडियो मतलब सब पार्ट आने की बात देख रहे हो, अगर ये मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट ढूंढ नहीं पा रहे हो, सो इसके नीचे में वो वाला पार्ट अपलोड करने की बात इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक दे दूंगा। कैसा लगा है वीडियो कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नया एक ड्राइंग की टिप्स के साथ, तब तक के लिए अलविदा फ्रेंड्स।